कासगंज के सिटपुरा कोतवाली इलाके के ढूंढरा गांव में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव में गोली मारने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल किसान को सिटपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कासगंज के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक सुरेंद्र नाम का ये किसान देर शाम अपने खेत में पानी लगाकर लौट रहा था। इसी दौरान पहले से ही घात लगाकर बैठे गांव के ही भूपेंद्र और हंसराज ने किसान सुरेंद्र को गोली मार दी। घायल किसान को जब अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक किसान के परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मृतक किसान के शव का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, थाना सिलपरा क्षेत्र में एक घटना हुई है, क्या है पूरी घटना? देखिए, थाना सिद्धपुरा क्षेत्र अंतर्गत गांव ढूंढरा में एक व्यक्ति नामक सुरेंद्र की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। तुरंत सूचना मिलते ही मैं एडिशनल एसपी सीओ और एसएचओ सभी मौके पर पहुंच गए। मौके में मुआयना भी हो गया, समय पे एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया और चश्मदीद गवाह की प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति नामक हंसराज और उनके पुत्र भूपेंद्र ने इनको गोली मारकर हत्या की है और तहरीर भी मिल चुका है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखवाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही और त्वरित गति में उनको पकड़ के कड़ी कार्रवाई की जा रही। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।